जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में यूके की विजिट वीज़ा की सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। हमारे बड़े प्यारे क्लाइंट हैं सलीम जट साहब, इनका ताल्लुक लाला मूसा से है। तो इन्होंने हमसे यूके विजिट वीज़ा की सर्विसेज ली थी, तो इनका यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं सलीम जट साहब को 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री के साथ यूके का वीज़ा जो है ना इशू हो गया है। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपको इनकी वैलिडिटी शो हो रही होगी। इनको ग्रांट हुआ है 27 मार्च 2024 से ले कर 27 सितम्बर 2024 तक। तो सलीम जट साहब आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। फ्रेंड्स इनकी प्रोफाइल की बात करें तो ये ऑलरेडी जो है सैलरी पर्सन थे, 30 लाख इनका क्लोजिंग बैलेंस था। अगर इनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री की बात करें तो ये 3 दफ़ा यूके से रिफ्यूज़ थे। इन्होंने हमें सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल से कैच किया था। तो जैसे ही इन्होंने हमसे सर्विस ली तो माशाल्लाह हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया, तो सक्सेस आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो मसरूफियत की वजह से ये आ नहीं पाए। मैंने कहा चले आपकी जो है ना व्यूवर्स के साथ जो है ना अनदर यूके की वीज़ा की जो है ना सक्सेस स्टोरी शेयर की जाए। तो फ्रेंड्स ये मार्च की 4th जो है ना बड़ी कामयाबी है स्पेशली यूके विजिट वीज़ा को लेके। इसमें 3 हमारे क्लाइंट के वीज़ाज आए हैं और एक मेरा खुद का वीज़ा है 10 ईयर का, जो कि मैंने आपको पहले वीज़ा वीडियो शेयर की थी। तो फ्रेंड्स अगर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो अजरबैजान और कजाकिस्तान की जो है ना इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो इसी तरह ही है, अगर आप इनका मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बताया कि आप प्रॉपर स्टेटमेंट को मेंटेन करके, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करके और स्ट्रॉन्ग टाइज के साथ मेरिट के ऊपर अप्लाई करें तो वीज़े के को काफ़ी जो है ना इनके हाईली चांसेस हैं स्पेशली यूके वीज़ा को लेके। क्योंकि ये इनकी अच्छी चीज़ है कि ये जो भी प्रोफाइल मेरिट पर बनी हुई हो और इनकी स्टाइल के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टेटमेंट क्लाइंट ने, एप्लीकेंट ने प्रिपेयर की हो, तो ये जो है ना उसकी जो क्लाइंट की मेहनत है ना उसको वेस्ट नहीं होने देते। और ये भी नहीं है कि जो है ना ऑटोमेटिक ये जो है ना रिफ्यूज़ करते हैं। इनकी काफ़ी ये जो है ना अच्छी चीज़ें हैं कि ये प्रॉपर इनके केस ऑफिसर जो है ECO है, वो क्लाइंट के केस को जो है ना डेफिनेटली स्टडी करते हैं। प्रॉपर स्टडी करके अगर मेरिट पर प्रोफाइल बनी हुई हो तो उसको डेफिनेटली ये वीज़ा ग्रांट करते हैं। ये इनकी यूके एम्बेसी की अच्छी खासियत है और कह लें कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इसके अलावा अगर सर्विसेज लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पे जो है ना रابطہ कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।